स्वागत करते हैं आज के इस खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। सिविल कोर्ट में डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं स्कैनर की वैकेंसी चल रही है, उस विषय में आज की इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पे बात करेंगे। जैसे कि उसकी फॉर्म भराना शुरू हो चुकी है, लेकिन ये जो वैकेंसी किस कंपनी के माध्यम से यानी रेनको इंफ्रा सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से जो बहाली ली जा रही है, कितने दिन की कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्या होगी इसकी सिलेक्शन प्रोसेस और इस कंपनी के बारे में MCA की वेबसाइट पर देखेंगे। साथ ही साथ कैसे करेंगे इस फॉर्म की अप्लाई, बहुत सारे नोट ये गूगल में इस वेबसाइट को सर्च करने के लिए आपको www.rispl.org लिख के सर्च करना होगा। इतना लिख के सर्च करने के बाद में आपको फर्स्ट वाला लिंक जो खुल के आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इस कंपनी के होम पेज पे चले आएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने कंपनी की होम पेज दिख रही है, यहाँ से ही आप कंपनी को अप्लाई अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो मोबाइल में हम फिलहाल इस वेबसाइट को खोलें, आप चाहे डेस्कटॉप पे भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नोटिस बोर्ड में हम क्लिक करते हैं, नोटिस बोर्ड में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। नोटिस बोर्ड में ही दोनों ही पोस्ट के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर साथ ही साथ स्कैनर दोनों की अप्लाई डिटेल्स यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो देखिए पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे लिए नोटिस देख लेंगे, यहाँ पे डाउनलोड करना होगा आपको PDF फॉर्म में। फिलहाल हम डाउनलोड कर रखें, यहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में पूरी नोटिस को यानी कि इस वैकेंसी की पूरे इन्फॉर्मेशन को हम देखेंगे। का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा। कंपनी अपना डिटेल सबसे ऊपर में ही दी हुई है, CIN नंबर। देखिए इस CIN नंबर से MCA की वेबसाइट पे, भारत सरकार की जो मिनिस्ट्रियल वेबसाइट है, वहाँ पे इसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूरी डाटा को देख सकते हैं। इस वीडियो में उसको भी देखेंगे, आप वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नोटिस में सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स कंपनी दी हुई है। कंपनी नेम में जो RISPL है, पोस्ट नेम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 570 वैकेंसी है, स्कैनर के लिए 100 वैकेंसी है। एक्सपीरियंस आपका 6 to 12 मंथ तक का होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट डेट जो है अप्लाई का 30/7/2020 तक है। जॉब लोकेशन बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी जॉब हो सकती है। तो यहां पे दो गई वैकेंसी डिटेल्स। अब यहां पे खास इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। देखिए यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 570 पोस्ट के लिए 12th मिनिमम होना चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज विद टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, जिसकी सैलरी आपको 11,000 रुपये वनली है। साथ ही स्कैनर पोस्ट की वही बात कर ले, 100 वैकेंसी है, मिनिमम 10th या 12th होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर नॉलेज और इसकी सैलरी 10,000 रुपये वनली है। तो ये तो हो गई इसकी डिटेल्स थोड़ी सी। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैलरी आपने 10,000 और 11,000 देख रही है, लेकिन इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस, पहले रिटर्न एग्जाम होगी, ग्रुप डिस्कशन पर्सनल, यानी कि मैंने कॉल पर भी बात किया, वहाँ पर रिटर्न टाइपिंग मोस्ट है आपका होना, साथ ही साथ कंपनी में आपकी ग्रुप डिस्कशन होंगे, उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएंगे। इतना कुछ क्राइटेरिया आपको फिल करना होगा। आप इसको डायरेक्ट जानकारी के लिए इस डिटेल्स नंबर यहाँ पे सबसे नीचे में जो दिए हैं, इस पे कॉल करके आप डायरेक्ट पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल आशा करते हैं इसमें वैकेंसी के डिटेल्स को कुछ हमने कवर किया, अब थोड़ी सी इस कंपनी के डिटेल्स पर चर्चा कर लेते हैं। तो इस वक्त कंपनी की डिटेल्स देखने के लिए MCA की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखिए भारत सरकार के द्वारा ये वेबसाइट चलाई जाती है, इसका मेन मकसद है कंपनी अपना रजिस्टर्ड डायरेक्ट ऑनलाइन इस MCA पे होती है, और रजिस्टर्ड होने के बाद में उस कंपनी की डाटा पब्लिक की जाती है, जो चाहे उस कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। पहले ये चीज प्राप्त करना काफी मुश्किल होती थी, 2006 से ये सुविधा प्राप्त होना शुरू हो गई। खैर इस पर विशेष बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम MCA की वेबसाइट पे आ चुके हैं। आप यदि इसको सर्च कैसे करते हैं किसी कंपनी की डिटेल्स, तो मेरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप वहां से जाके डायरेक्ट कैसे चेक करते इसको सीख सकते हैं। तो देखिए यहां पे CIN नंबर मैंने जैसे सर्च किया, उसके बाद में कंपनी की ये पूरी डिटेल सामने जो आ गई है, यानी कि कंपनी की पूरी डिटेल्स को एक एक करके आप देख सकते हैं। कंपनी नेम लिखा हुआ है रेनको इंफ्रा सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ROC कोड जो है ROC पटना, ROC कोड से नाम प्राप्त किया जाता है, उसके बारे में विशेष नहीं करूंगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको दिया हुआ मिलेगा। कंपनी की कैटेगरी जो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है सब कैटेगरी, इसका क्लास जो है प्राइवेट है, 5 लाख की कैपिटल वाली ये कंपनी है, और पेड है ऑफ कैपिटल 2 लाख की है। इस तरह से आप इस कंपनी की बहुत डिटेल जान सकते हैं। देखिए एड्रेस भी कंपनी का यहाँ पे देख लिया, रजिस्टर्ड एड्रेस किस एड्रेस में रजिस्टर्ड हुई, यानी कि कंकड़ बाग मेन रोड कॉलोनी मोर ईस्ट ऑफ द स्वस्ति ब्रभा कॉम्प्लेक्स पटना BR8000020 ये सब डिटेल्स एड्रेस दिया हुआ है। ईमेल आईडी भी है ramkishan2503@gmail.com। यहाँ पे जो कंपनी मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है कि नहीं है, तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है, अनलिस्टेड है। खैर वो तो बड़ी कंपनी जो वो दूसरी चीज़ होगी। यहाँ पे एक्टिव कंप्लेंट्स जो है, एक्टिव नॉन कंप्लेंट्स है, ठीक है, कोई कंप्लेंट्स अगेंस्ट नहीं है कंपनी के, तो ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी की डायरेक्टर, देखिए आप मात्र यहाँ पे 2 डायरेक्टर को देख पा रहे होंगे, एक गोपी रमन है और एक राम किशन है। कंपनी 2017 से ही अस्तित्व में है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोगों ने रजिस्टर्ड है इतना तो कन्फर्म कर लिया कि MCA पे रजिस्टर्ड है ये
कंपनी। अब तक हम लोगों ने वैकेंसी डिटेल्स और कंपनी डिटेल्स पे चर्चा कर ली, अब ऑनलाइन अप्लाई डिटेल्स पे चर्चा करेंगे। देखिए, हर एक तरह की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से आप तक लाई जाती है, तो आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जेन्युइन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो यहाँ पर अप्लाई डिटेल्स पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ही आप व्यू डिटेल्स के बगल में ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको क्या क्या भरना है उसको मैं एक एक करके बता दूँ। देखिए, जॉब अप्लाइड फॉर कौन से पोस्ट के लिए आप डाटा ऑपरेटर या फिर स्कैनर ऑपरेटर के लिए करना चाहे, इसे सिलेक्ट करने के बाद में कैटेगरी आपकी कौन सी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ अपना डाल लीजिएगा। उसके बाद में जेंडर मेल या फीमेल, मैरिड स्टेटस मैरिड या अनमैरिड दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। एड्रेस आपका जो हो वो एड्रेस आप इसमें फिल कर लीजिएगा। स्टेट अपने अनुसार आपका जो स्टेट हो भर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट अपना भर लीजिएगा, सिटी आपका जो हो या फिर विलेज दोनों में से कोई आप इसमें टाइप कर लीजिएगा। पिन कोड आपका जो हो उसको भर लीजिएगा और साथ ही साथ अपना 10 डिजिट वाला जो मोबाइल नंबर है उसमें भर लीजिएगा। दूसरा मोबाइल नंबर अल्टरनेट है, मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो भर सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, लेकिन भर लीजिएगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस जो है आपका मैंडेटरी ईमेल एड्रेस देना अनिवार्य है, ईमेल एड्रेस उसमें फिल कीजिएगा। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको जो है मैट्रिक डिटेल्स यहाँ पे दिख पा रहे हैं, आपको बोर्ड का नाम बिहार बोर्ड हो तो बीएससीबी पटना लिख लीजिएगा। उसके बाद में कौन से ईयर में आपका पासिंग ईयर है उसको फिल कर लीजिएगा। टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हुए हैं, 500, 800 जितने का आपका हुए होंगे उसको फिल कर लीजिएगा। उसमें से आपने कितना मार्क्स ऑब्टेंड किया इसमें फिल कीजिएगा, कितने परसेंटेज मार्क्स हुए उसमें फिल कीजिएगा। इसी प्रकार से आप सीनियर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट के लिए और ग्रेजुएशन के लिए भर लेंगे आसानी से, ठीक है। आधार कार्ड नंबर इसमें अपना फिल कर लीजिएगा और लास्ट में अपना फोटो अपलोड कर लीजिएगा, जो कि जेपीजी या फिर पीएनजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होगा। इसमें फोटो अप्लाई फिल करने के बाद में आपको लास्ट में यहां पे इस डिक्लेरेशन को एग्री कर लेना है। उसके बाद में आप 500 रुपये की पेमेंट करेंगे जो कि ऑलरेडी सबमिट है। इस प्रकार से आप पूरे फॉर्म को फाइनली कंप्लीट करने के बाद में आप सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जाएंगे, रिटेन एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, फाइनली आपका मेरिट बनेगा, सिलेक्शन, उसके बाद में जॉब कीजिएगा, सैलरी उठेगा। ऑल चीज़ इस वीडियो में मैंने कवर की, आशा करते हैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह के हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।